नमस्कार, RS अन्नपूर्णा किचन में आपका स्वागत है। आज हम चना दाल और पालक की रेसिपी सीखेंगे। कढ़ाई में हमने तेल गर्म कर लिया है। अब हम उसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच हींग और 1 चम्मच लहसुन बारीक काट कर डालेंगे। जब लहसुन ब्राउन हो जाए तब हम उसमें हरी मिर्च डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। 1 प्याज काट कर डाला है और इसे भी हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भुनना है। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें 1 बड़ा टमाटर काट कर डालेंगे और टमाटर गलने तक हम इसे पकाएंगे। टमाटर भी गल गया है, अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इन सबको मिक्स करेंगे। थोड़ा पानी डालकर हम इसे पकाएंगे। इसे हम ढककर पकाएंगे, तेल ऊपर आने तक हम इसे पकाएंगे। देखिए मसाला भी हमारा पक गया है। हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और तेल, मसालों ने भी तेल ऊपर छोड़ दिया है। अब हम इसमें पालक डालेंगे। इसे हम मिक्स करेंगे और ढककर 5 से 6 मिनट तक पालक के गलने तक इसे हम पकाएंगे। पाँच से छः मिनट हो गए हैं, अब हम इसे चेक करेंगे। देखिए पालक भी अच्छी तरह गल गया है और हम इसमें हम ये चना दाल डालेंगे। हमने चना दाल को पहले 5-6 घंटों के लिए भिगो दिया था, फिर उसे हमने कुकर में थोड़ा सा नमक और हल्दी डालकर पका लिया, 90% पकाया है, फिर हमने इसमें डाला है। हमने 1 कप चना दाल लिया था और इसी तरह हम ढक के इसे हम पका लेंगे। 6-7 मिनट तक हमने इसी तरह ढककर इसे पकाया है और अभी देखिए हमारी सब्जी तैयार है। इसमें हमने धनिया पत्ती डाली है और इसे हम ढककर 1 मिनट और पकाएंगे, फिर हमारी सब्जी रेडी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।